अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार, सफाई के दौरान ना मैंने देखा कि हमारी डव जिसको हमने आज़ाद किया था ना, वो आज फिर आ गई है। रोज़ आती है दोस्तों, रोज़ मास्टर केज को देख देख के चली जाती है। बेचारी चाहती अंदर जाना है लेकिन जा नहीं पाती, दरवाजे बंद है ना। हम दरवाज़ा ये वाला खोलेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि हमारी गोल्डन फिंचेस बाकी वाली डव्स वगैरह निकल सकती हैं, तो ये हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन ये बेचारी बार बार जाना चाहती है कि मैं इसके अंदर रहूँ। यार, इसको मास्टर केज की पहचान है लेकिन मेरी पहचान नहीं है। मैंने इसको फीड कराया था यार, छोटी सी थी, इसको मैंने पाला था, फिर मैंने आज़ाद कर दिया था। तो यार, इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये दरवाज़ा तो नहीं खोल सकते, मुर्गियों के घर में चली जाए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको पकड़ना फिर। तो मैं ज़रा ट्राई करता हूँ यार इसको पकड़ने की। शयान, ज़रा आप इधर आ जाओ। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ यार दरवाज़ा खोलने की ना, क्या पता यार अंदर चली जाए ये ऐसे। ओए 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 ओए, आ जाओ। अल्लाह खैर करेगा यार, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। तो चाचू साइड पे हो जाओ। मुझे जो लगता है यार, जो ही देखेगी ना रास्ता है तो मेरे ख्याल में ये चली जाएगी। आजा 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 आजा, चली जा चली जा। जाओ भाई अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। चाचू आ जाओ अंदर आ जाओ। यार डव आ चुकी है, हमने पकड़ लिया डव को, माशाल्लाह। तो यार ये बार बार जा रही थी अंदर तो रास्ता इसको नहीं मिल रहा था, तो मैंने रिस्क लिया और दरवाज़ा मैंने मास्टर केज का खोल दिया और अब यहाँ पर हमारी डव रहेगी। यार ये डब मैंने आज़ाद कर दिया था तो फिर इसको खुद ये जगह पसंद आई तो बार बार आ रही थी, जिसकी वजह से हम इसको अब मास्टर केज में ही रखेंगे। चलो चाचू आ जाओ चले। तो यार हम कामयाब हो गए। यार ये कुछ लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा की हैं, काफ़ी टाइम लग गया यार इनको इकट्ठा करने में। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो यार मैंने सोचा है कि हमारे घर में लकड़ियाँ तो हैं और मैं कुछ बनाना चाह रहा था। बनाना किस चीज़ के लिए चाह रहा था? हमारे जो चकोर नहीं घूम रहे दोस्तों मास्टर केज में, ये वाले चकोर यार उस ईंट के बीच में आपस में खेल रहे होते हैं। वो ईंटें नहीं रखी हुई आप देख रहे होंगे, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इनको ना एक प्राइवेसी चाहिए चकोरों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए एक घर बनाने की कोशिश करूं। चकोर का स्पेशल घर बनाएंगे, फिर हम उसको मास्टर केज में रख देंगे। उनका एक रूम होगा छोटा सा और उनका ग्राउंड होगा, वहां पर मट्टी छट्टी पौधे छौधे लगा देंगे हम। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा यार लकड़ी के साथ बनाने की। तो चलें लगते हैं काम पर और चकोरों का घर बनाते हैं आज। तो दोस्तों ये कुछ लकड़ियां हैं, तो मैं पहले देख लेता हूँ यार नक्शा कैसा होना चाहिए। तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है कि किस तरह से बनाऊंगा मैं, करता हूँ कि किस तरह से मैं बना पाऊंगा। ये मैं चाह रहा हूँ यार ये बाउंड्री के लिए काम आ जाएंगे ना, ये जो बांस के टुकड़े हैं। तो ओए कील क्यों खा रही हो? क्या हो गया इसको यार, कील खा रही है? काम चेक करो यार, इसके सारे कील खा रही है इसने। यार अगर सिपाही होता ना वो फिर आसानी से हम बना लेते, तो अकेले में आपको पता है कि मुश्किल तो होती है। उसका पेपर है आज कल परसों, तीन पेपर उसके रहते हैं। तो मैं उसको वैसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, दुआ करें कि यार मैं कामयाब हो जाऊँ। तो ये बाउंड्री करते हैं यार हम कोशिश लगाने की, और नहीं है अभी मैं सारा सामान ऐसे ही रख देता हूँ यार, वो आएगा फिर एक साथ बनाएंगे, मैं अकेले में कैसे बनाऊँगा, ये तो मुश्किल है बहुत। इसको यहाँ पर इकट्ठा कर लेता हूँ यार मैं। तो यार मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे शुरुआत में ही लग गया कि मेरे पास चीज़ें नहीं है, जैसे कि तार हो गई, कुछ कील भी मेरे पास मौजूद है कुछ नहीं है। तो बाइक से पैन लेके गया हुआ है, मेरे ध्यान में अभी आया कि मैं सामान भी लेने नहीं जा सकता, तो वो आएगा फिर एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो भी यार फिलहाल हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, उसका वेट करते हैं सिप्टैन का। जो ही मैं इधर आता हूँ ना, मछलियाँ मेरे करीब आ जाती हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें खुराक मिलने वाली है। तो यार अब टाइम आ गया इनको खुराक डालने का, तो मैं इनको थोड़ी सी शाम की डाइट दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे,
ये इतना काफ़ी है, ये देखें माशाल्लाह कैसे खाने के लिए आ गए यार। ये देखें दोस्तों हमारी बड़ी मछली हैं, छोटी मछली हैं, सब यहाँ पर आ गई हैं और अपनी खुराक खा रही हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं यार, ये देखें। ओह माशाल्लाह। जोजो तुम तो निकलो, चलो जोजो। जोजो ओ जोजो कहाँ गया यार? ये यार डरा दिया इसने तो, और इसने शायद खुराक को नहीं देखा। तो चलो तुम भी खाओ खुराक, डरो नहीं, चलो खा लो, चलो 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 खाओ, ऊपर आ जाओ ना। तो यार हम आज ना अपने फाउंटेन को चला रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने फाउंटेन को चालू नहीं किया, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और इसको चला के आता हूँ। चल गई, तो यार हमारी मोटर चल गई है और अब पानी चेक करते हैं, आ रहा है ना? हाँ पानी भी आ रहा है यार। तो यार फाइनली हमारा फाउंटेन काफ़ी दिनों के बाद चल रहा है और हमारी मछलियाँ यार अब बहुत ज़्यादा खुश होंगी। जो ही पानी नीचे गिरता है ना, देखिएगा दोस्तों ये जो मछलियाँ हैं ना यहाँ पर, ये फौरन इधर आ जाएंगी। ये देखें दोस्तों सारी मछलियाँ आ गई हैं, बहुत ही मज़े कर रही हैं यार। जब तक सितह नहीं आता यार ऐसे चलता रहेगा, रात को हम बंद करेंगे, फिलहाल अभी मछलियों को इन्जॉय करने देते हैं। तो यार हमारी बीटा फिश बिल्कुल ठीक है, इसको यार मैं खुराक डाल लेता हूँ, ये काम भी हो गया हमारा। और इधर हमारे फैंसी चिकन के बच्चे ना यहाँ पर मट्टी में खेल रहे हैं। मैंने रखा तो दोस्तों वैसे चकोरों के लिए था, लेकिन मैंने चकोरों को यहाँ पर नहाते हुए नहीं देखा। यहाँ पर ये फैंसी चिकन और ये वाला हमारा फैंसी मुर्गा यहाँ पर ये खेलते रहते हैं, चकोर नहीं आया जिनका मैं रखा था। भाई खा लिया खाना? यार मेरे ख्याल में इन्होंने खाना नहीं खाया सही से। देखें सारा हमारा ये घास बचा हुआ है। मुझे बहुत सारे भाई कमेंट्स में कहते थे भाई आप इनको ना बाहर की गलियों वाले घास क्यों देते हैं, आप घास खरीद के लाया करें। यार ये देखें खरीद के लाने वाले घास का हाल देखें, ये बिल्कुल शौक से नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा सा खाती हैं फिर ना छोड़ देती हैं। तो अब इनको दोस्तों क्या करते हैं कि इनको मैं गली वाला घास देता हूँ, फिर देखिएगा कितना शौक से खाती हैं। तो यार मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अपनी बकरियों के लिए ना घास तोड़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से मैं तोड़ूंगा कुछ घास और जहाँ जहाँ देखूंगा घास मिलता है मुझे तो मैं तोड़ लूंगा जल्दी से। मेहनत वाला काम है यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं घास करके फिर आपसे मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों घास मैंने तोड़ लिया है, अब जल्दी से बकरियों को डालते हैं। चलो जी ये देखिएगा दोस्तों बहुत शौक से खाएंगी। ओ, ओ, ओ एक मिनट थोड़ा सा यार सबर कर लो ना, एक मिनट बस। ओए 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 काम चेक करो यार, सिम्बा को खाने नहीं देते, कोई हाल नहीं यार इनका। यार मैंने सिम्बा के लिए इधर डाला था लेकिन सिम्बा उधर जाकर खड़ा हो गया। यार इसको भी मैं उठा लेता हूँ क्योंकि ये खुद नहीं उठती दोस्तों, दूसरा दिन है ये बैठी हुई है उठी नहीं रही, तो इसको मैं जबरदस्ती उठाता हूँ और ये दाना पानी खा लेगी, नहीं तो यार भूख की वजह से ये अंडे तोड़ना शुरू कर देते। इसने एक अंडा तोड़ भी लिया है, तुम भी खा लो और फिर आ जाना अंडों के पास अपने। तो यार सब परिंदों ने माशाल्लाह दाना खत्म कर लिया है तकरीबन, और हमारी मुर्गी ना दाना खा के वापस अंडों पर जा रही है, वहाँ पर अब बैठेगी और उनको इनक्यूबेट करेगी। यार ये अंडे ना इस कोने से ना इस कोने में कर लिए मुर्गी ने, वहाँ पर शायद इसको सही जगह नहीं लग रही होगी, तो ऐसा ऐसा करके ना सारे अंडे इस कोने में आए हुए हैं। तो अब मुर्गी दोस्त बैठ चुकी है वापस। ओ यार मैंने आज अपनी बकरियों को ना ये वाली फीड ही नहीं खिलाई, देखे दोस्तों किस तरह से आ गई है फीड पर। मुझे यार दरअसल भूली हुई थी, दे रहा हूँ क्या हो गया है? ओए यार पीछे हो जाओ, पीछे हटोगे तो मैं आ पाऊंगा, हट जाओ। हाँ ये देखे दोस्तों माशाल्लाह, चलो खा लो। यार इस ब्लैकी की समझ नहीं आती, ये इधर आके इनको ताड़ती रहती है, देखती रहती है, पता नहीं यार ये शिकार के चक्कर में इनको देखती है या इनके साथ खेलना चाहती है, कुछ समझ नहीं आ रही। ब्लैकी तुम्हें पता है पूरी मैंने तुम्हें आधा पाव चिकन खिलाई है सुबह, अभी भी तुम उनको ताड़ रही हो, ये तो कोई बात नहीं, ये तो भूखी हरकत हुई गंदी। चलो यहाँ पर बैठो तुम, अब सुबह तुम्हें खाना मिलेगा, रात को मैं दूध दूंगा तुम्हें, ठीक है? अब सुबह फिर तुम्हें चिकन मिलेगी। तो अभी यार मैं सिप्तान का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से है, टाइम तो हो गया है, बस 10-15 मिनट तक पहुंच ही जाएगा। सिप्तान यार कोई मशवरा देगा तो फिर जा कुछ कर पाएंगे हम। तो यार शाम हो चुकी है, अभी तक सिप्तान नहीं आया, मैं उसका काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि वो आए और इसको हम फिनिश करें। इंतजार है मेरी यार, मैं बैठने तुम्हारा तो वेट कर रहा होता हूँ यार, तुम्हें पता है, इधर तो आओ ना जरा। ये यार मुझसे नहीं बना। क्या बना रहे हो भाई? यार ये देखो ना,
ये मैंने सोचा है ना चकोरों के लिए स्पेशल घर बनाऊं, तो फिर अच्छा। ना वो मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा था और मेरे पास कुछ चीजें भी नहीं थी जिससे मैं ना शुरू करूं, तो मैंने सोचा कि तुम आओगे जल्दी जल्दी बना लेंगे। शुरुआत कर ली है और एक्सपर्ट से पूछा ही नहीं है। यस यही बात होती जब बंदा किसी अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे से नहीं पूछता ना कुछ। भाई अब तो देखो टाइम देखो पहले तुम क्या है, ये कोई टाइम नहीं है, टाइम देखो ये देखो 6 बज गए। छः बज रहे हैं तो इसका मतलब अभी शुरू भी करेंगे ना रात हो जाएगी और मैं भी थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। तो सॉरी यार मैं आपसे माजरत करता हूँ, अगर ये कह रहा था कि मैंने बनाना है मैं इसकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं अभी मैं बहुत थका हूँ यार, अभी मैं 3-4 घंटे पेपर देखूं। तुम्हारा पेपर है यार कल, तुम फिर वहीं करोगे या ऐसे ही कर शुरू तो करते हैं यार फिर तो कल कर लेंगे, फर्स्ट टाइम मेरा पेपर सेकेंड टाइम होता है तो मैं फर्स्ट टाइम शुरू कर दूँ। ठीक है यार, सिप्तान तो कह रहा है मैं थका हूँ तो अभी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वो देखो मास्टर केज में पकड़ ली। ओ भाई पकड़ लिया, कैसे अकेले अकेले मैंने और शयान ने पकड़ ली थी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शेयर में दिया को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।